ओके ओके महाराज जी, आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम प्राचीन सदगुरु कबीर मंदिर प्राकट्य धाम काशी लहरतारा में आज आए हैं, तो ये बताएं कि कबीरदास जी का ये प्राकट्य स्थल है। कबीरदास जी का एक कह लीजिए सार या तत्व बताएं थोड़ा सा, कुछ दो शब्द में, कम शब्दों में। मेरा नाम गोविंद दास शास्त्री है और मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ और प्रभु के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भक्ति आंदोलन की प्रणेता या भक्ति कालीन जो संत का अगुवा है संत कबीरदास जी महाराज हैं, और उसकी स्थली आज भी हम कह सकते हैं कि उपेक्षितों का शिकार है तमाम। मैं तो 2-3 साल से लगातार यहाँ व्यवस्था जब से देख रहा हूँ तब से इसकी डेवलपमेंट के लिए लोगों को शासन एवं प्रशासन सभी को अवगत करा रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ विशेष मुझे कार्य होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कहने के लिए तो सभी लोग कह रहे हैं कि हाँ होगा, आज होगा, कल होगा, कहीं से नहीं की भावना तो नहीं मिला है, लेकिन देखते हैं किसकी करने की क्षमता है, कौन करता है। मैं तो ये प्रयास कर रहा हूँ कि कौन आगे आता है, जो मैं तो लगा हुआ हूँ लेकिन मेरे पास इतनी संसाधन नहीं है। धन्यवाद महाराज जी। जैसे कि यहाँ का तालाब अभी मैं देखा बड़ी जर्जर अवस्था में था और कुछ भी दिखने लायक नहीं है, तो क्या अभी तक किसी संस्था ने इस तालाब के निर्माण के लिए या सौंदर्यीकरण के लिए कुछ अनुदान दिए हैं अभी तक, या अभी तक कोई भी अनुदान नहीं मिल पाया? नहीं, अभी तक तो किसी संस्था ने कोई अनुदान नहीं दिया, और जिस तरह का ये ऐतिहासिक है या हमारी पौराणिक चीज है, हम तो कबीर जी महाराज के लहरतारा ताल की बात करते हैं, लेकिन आज भी ये भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। मैं लगातार शिकायत कर रहा हूँ, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं, तो एक तरह से कह सकते हैं हम तो किसी से हम तो घर द्वार छोड़कर संत फकीरी में आए हैं, तो हम किसी से लड़ने नहीं जा सकते। हम तो कह सकते हैं शासन को जो कर सकता है, निवेदन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर आकर इस चीज को नहीं देखा। खाली जैसा कि पूरा होता है कि जैसा कि अभी कुछ देर पहले कुछ हमारे पदाधिकारी आए थे, तो क्या प्रोजेक्ट है उनका, किस विभाग से है, क्या देना चाहते हैं, उनकी क्या सहमति है कि कब से हम कार्य शुरू करेंगे, कैसे इसको परिणित करेंगे, किस विभाग से फंड मिल रहा है, कितने का फंड मिल रहा है, उस पर थोड़ा सा बात करेंगे हम आपसे। अभी मेरा पास 1 महीना पहले भी आया था मुख्यमंत्री संवर्धन योजना के तहत, जिसमें ये कहे कि हर विधानसभा में 50 लाख के तक का जो पर्यटक स्थल है उसको डेवलपमेंट के लिए, उसके तहत आज भी अधिकारी उस पर्यटन विभाग की तरफ से आया है कि क्या इस चीज में 50 लाख में, इसने क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, कबीर जी की एक तरह से 17 एकड़ की तालाब है और 2 एकड़ का पूरा कैंपस है, उसमें क्या हो सकता है। तो हमने सुझाव बताया कि इस मंदिर का थोड़ा सुंदरीकरण हो जाए, इंटरलॉकिंग हो जाए, और कुछ जो दर्शनार्थी आते हैं तो उसके बैठने के लिए व्यवस्था हो जाए, उसके रुकने के लिए कुछ देर विश्राम कर सकें, तो ये तमाम चीज योजनाएं हैं। और देखिए कब चालू होता है, जैसे कि अभी पता चला कि 50 लाख रुपए का बजट है, तो क्या आप उसमें मंदिर निर्माण में जो है जोड़ देंगे या फिर धर्मशाला में जोड़ देंगे? नहीं, हम तो सारे चीज को देखते हुए जो उपयोगी चीज है, मंदिर निर्माण में क्या, मंदिर जो प्राचीन पत्थर है टुकड़ा टुकड़ा, तो इसको थोड़ा सुंदरीकरण करने के लिए, ये तमाम घासें हैं, मिट्टी है, तो उसको इंटरलॉकिंग के लिए कबीर जी के जैसे द्वार है वहाँ पर गेट सही से नहीं है, तो ये 3-4 चीजें हमने लोगों जो आते हैं तो उसके लिए सही से बैठने के लिए, 50-50 लोग आ जाते हैं तो उसके लिए बैठने के लिए सही से जगह नहीं है, तो उसके लिए एक हॉल टाइप का या छोटा सा जहां वो बैठ सके या किसी को कुछ बता सकते, चाहे गर्मी में हो, चाहे ठंडी में, चाहे बरसात में, क्योंकि ये व्यक्ति तो हर हमेशा आता है। गर्मी में आप देख रहे हैं ये तो 600 वर्ष पुराना मंदिर है, और 600 वर्ष उस समय तो तमाम पेड़ पौधे झाड़ियां थी, तो और चीज की तो जरूरत नहीं थी, लेकिन आज तो जरूरत है। आज तो हम भी तब भी उसके हरा भरा करने का प्राकृतिक वातावरण डेवलपमेंट किए हैं, लेकिन आज की जो एक तरह के कह सकते हैं लोगों की जरूरत है, उस चीज को नीट में को रखकर हम
डेवलप करने का प्रयास करेंगे। चलिए धन्यवाद। अभी क्या बनारस विकास प्राधिकरण की तरफ से आपको इतने प्राचीन मंदिर के विस्तार के विकास के लिए सौंदर्यीकरण के लिए कुछ भी सहयोग नहीं मिल पाया है? नहीं, अभी तक तो कोई सहयोग नहीं मिला है और मैं लगातार समझ लीजिए मेरे देखते देखते में 4 VC चेंज हो चुका है, लेकिन सबने कहा और मेरा से व्यवहार भी सही रहा है, जाता था तो अच्छे से मिलते नहीं। वीसी से मतलब नहीं, जैसे काशी जो है एक कह लीजिए वर्तमान प्रधानमंत्री जी की संसदीय स्थली भी रही है कह लीजिए, और इसके विकास के लिए उन्होंने कहा कि मैं इसको जापान बना दूंगा, टोक्यो बना दूंगा, क्या क्या बना दूंगा, क्या क्या सपने दिखाए। आपको क्या लगता है आपकी संस्था के लिए उन्होंने कभी इस तरह का कुछ योगदान या सांसद निधि से कुछ सहयोग या प्रधानमंत्री निधि से स्पेशल कुछ सहयोग इस तरह के कुछ मिला आपको अभी तक या कुछ समर्थन मिला? अभी तक तो कोई समर्थन नहीं मिला और मैंने अवगत भी तमाम चीजें कर बताया कि कुछ मूलभूत सुविधाएं हो सके ताकि दर्शनार्थी को उसके लाभ हो सके, लेकिन कोई योजनाएं नहीं। और ये स्थल इतनी रमणीय है और 17 एकड़ के तालाब है और पूरे हमारे पास इतनी जगह है जो कबीर की धरती को हम बेहतर विश्व लेवल में एक पहचान दिला सकते हैं। हम तमाम जगह तो कहीं कुछ करना चाहते हैं, वहाँ तो जगहें नहीं होती हैं, निर्माण करने के लिए कुछ संसाधन नहीं, रोडे नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तो सारी चीज आपको अवेलेबल है। हम ये कह सकते हैं 10 रुपया लगाएंगे तो 100 रुपया आपको नजर आएगा। और तमाम जगह जैसे देखते हैं कि 100 रुपया लगाते हैं तो भी वो लगता है कि 10 रुपया लगाए, तो यहाँ तो 10 रुपया आप लगा देंगे तो आपको 100 रुपया नजर आएगा, तो ये 10% भी आप लगा। चलिए चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद महाराज जी आपको, आपने हमारी मीडिया चैनल को, जन मीडिया टीवी को, हमारे चैनल्स को इतना समय दिया, धन्यवाद। हम भी सरकार से गुजारिश करेंगे कि इस प्राचीन स्थली को, कबीर स्मारक को विश्व का एक बड़ा पर्यटन स्थल बने, ताकि भारत के ही लोग नहीं अन्य देशों के लोग यहां आकर के कबीर जी से शिक्षा दीक्षा ले सके और इनके कहे हुए उस पे वो चल सके। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।